में कि आज मेरे 5K कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 5,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो चुके हैं आज। तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी 5,000 हो जाए। गुड मॉर्निंग एम फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सुबह के बज के हैं 6:30, और मेरी पूजा वूजा सारी हो चुकी है। दिया बंद हो चुका है क्योंकि देर हो गई मुझे, 6 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। और बेटी हो रही है रेडी स्कूल जाने के लिए। आज जैसे आपको बताया था कि उसका इवेंट है, तो बहुत एक्साइटेड है और रेडी हो रही है। अभी हुई नहीं है, रेडी होते ही मैं मिलवाती हूँ आपसे और मिलती हूँ। और कल जो पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है, तो जिस वजह से अब रास्ते में आज बहुत पानी वानी भी मिलने वाला है लोगों को, तो पता नहीं, बट जो भी है। और आज थोड़ा टाइम भी चेंज है स्कूल का, कुछ शायद 7:30 से है या 8 से है, तो बट हाँ, लेकिन इनको जल्दी पहुंचना है क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी है। कहाँ लगी है वो अलॉट होगी अभी पहुंचने पर। तो चलिए जब भी आती है फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये हो चुकी हैं रेडी, टाइम हो चुका है इनका स्कूल का। आप दिखाएं हाफ शर्ट में, टाई कितनी गंदी लगती है, अच्छी लगती, फॉर्मल लगती। ओहो, फुल शर्ट में मैंने तो देखा है ऑलवेज। खैर जो भी है, आप रेडी हो चुकी हैं, शूज़ नहीं पहने हैं तो पहन लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो गलती से ऐसे ही निकल जाए। शूज़ पहन लें, चलो पड़ा। गाइस फोन लाना अलाउड है? एक दिन के लिए अलाउड है, तुम्हारे 2 दिन के लिए। अरे चलो शूज़ पहनो, ऐसा ना हो बस मोबाइल ले जाओ और जूते वगैरह ही चले जाओ। भगवान, जूता नहीं पहना जा रहा है, बैठ के पहन ले, जैसे पहनने का हो वैसे पहन ले। मेरी घड़ी बिच्ची चापली। गाइस बताओ ब्लैक क्लास लगती है? तो खरीदी का है पिंक? फिर मैंने नहीं खरीदी थी, दिस इज अ गिफ्ट। हमारी ही चीजें पसंद आती हैं। सही पैर का सही पहनी हो, जैसे रखा था उन्होंने मैंने पहन लिया। अगर उन्होंने उल्टा रखा होता तो तुम उल्टा पहन लेती। वारी वाह, चलो फिर रेडी, टाइम हो गया। हे गाइस, मैं जा रही हूँ, हमारे आज फोन अलाउड हो गया, अब आपको अच्छे से व्लॉग मिलेंगे। अभी तक तो मैं बचा के करती हूँ, ड्यूटी भी करूँगी, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ अब आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे व्लॉग्स। आईफोन नहीं होगा तो क्या हुआ, मैंने अभी नया फोन खरीदा है। बाय गाइस, मीट यू इन स्कूल। तो गाइस ये लोग निकल चुके हैं और मैं अब लगूंगी अपने काम में। पहले सोच रही हूँ थोड़ा सा बाल सुखा लूँ, क्योंकि सवेरे से जल्दी जल्दी में सूख नहीं पाए हैं, तो फिर लगती हूँ काम पे। और इनका इवेंट आज ख़त्म होगा 3:30 बजे तक, तो हम लोग को ऐसे ही जाना होगा। और आज हम लोगों को तो खैर नहीं है, आज छोटे बच्चों के पेरेंट्स को इनविटेशन है, हम लोगों को कल इनविटेशन है। और कल की टाइमिंग ठीक नहीं हो पा रही है, अभी तक कुछ आया नहीं। अब आज छुट्टी होते होते पता चल जाएगा कि उनका हम लोगों का क्या टाइम है और उनको छोड़ने का क्या टाइम है, तो उस हिसाब से ही होगा मेरा जाना, तभी डिपेंड करता है कोई आया तो। चलिए आपसे मिलती हूँ। आई तो गाइस मैं तो हो गई हूँ रेडी, अपना काम मैंने सब निपटा लिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है और हम लोगों ने खा पी भी लिया है, क्योंकि आज उसका खाना तो, बेटी का खाना तो वहीं पे था, तो इसलिए। और आज हस्बैंड ने छुट्टी भी ली हुई थी क्योंकि उसको आज उसका बहुत ही ऑड टाइम छुट्टी होनी थी, और उस समय वो ऑफिस से अगर होते तो उठ नहीं पाते, तो इसलिए वो घर से ही आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। कल भी लिया है क्योंकि कल तो उसके खैर मेन फंक्शन ही है, तो आज रेडी हो चुकी हूँ मैं निकल चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ अब अपना काम वाम करते करते उसके यहाँ पहुँचूंगी। तब तक देखिए आप, देखिए कि वो क्या कर रही है। काम में मारा
दिखा रही हूँ, अबे टाइम नहीं पूछा था, वॉल पेपर दिखा रही थी मैं। 10 मिनट बाद का, 10 मिनट बाद काम है हमारा। इसको मैं पिंपल बॉय के नाम से टैग कर। अरे रुक रुक भाई, का बता दो भैया, उसका कूपन ही गोल। तो दोस्तों मैं रोज की तरह आज भी निकल पड़ी अपने काम पे और बेटी को स्कूल से लेने के लिए, बट मेरा मन था कि मैं और थोड़ी देर घर पे रुकती, क्योंकि मेरा आज 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे थे सब्सक्राइबर्स, तो मैं उसे रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन वो घर पर ही हो सकता था, लेकिन फिर क्या करें टाइम हो रहा था, लेट हो रही थी और वो हो भी नहीं रहते, तो मैं गाड़ी में ही फिर मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया, तो 4998 पे मैंने शुरू किया, बहुत देर तक वो उसी पे ही अटका रहा, फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, फिर शुरू किया तो फिर एक और बढ़ा, 999 हुए, फिर मैंने कहा कि अगर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो ये कब 5000 हो जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा, फिर बहुत देर तक मैं उसको करती रही, फाइनली 5000 फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने फ़ोन पे। तो दोस्तों लोग के आते ही एक कुरियर आ चुका है और ये अमेज़ॉन से आया है, और सबसे बड़ी बात है घर में किसी ने भी इसे ऑर्डर नहीं किया है, ये अपने से आया है, बट नाम एकदम सही लिखा हुआ है, एड्रेस मेरा ही है, सब कुछ है, मैं दिखा नहीं सकती, तो ये किसने भेजा ये तो खोलने पर ही पता चलेगा, तो इसे खोला जाए, ये मुझे दिखा के अनबॉक्सिंग करो। अच्छा ये स्कूल से आ चुके, इनकी शक्ल देख लीजिए, फिर इस डब्बे की शक्ल देखिए, यस गाइस, फिर इनकी इवेंट अच्छा था, और हस्बैंड ब्लॉग में आ चुके हैं, तो आप लोगों को चिंता हो जाएगी कि वो घर पे क्यों हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले ही मैंने सवेरे ही ब्लॉग में बता दिया कि आज उन्होंने लीव ली है, आज वो घर पे हैं क्योंकि बेटी का आज फंक्शन था स्कूल में, तो कमेंट करके सरदर्द मत करिएगा, अपने भी हमारे भी जी, गत्ता निकला मम्मी, तुम मत बोला करो नहीं तो ब्लॉग में कमेंट आता है कि बेटी पहले पढ़ लो। मैं पढ़ लूंगी, आप अपना चिंता करिए। तो ये कुछ निकला, ये तो सेलिब्रेशन निकला है, ये किसने भेजा भाई, किसी बच्चे ने भेजा, ये कौन है भेजने वाला, ओहो राखी आई है, तो मैं तो राखी बांधती नहीं हूँ, राखी आई है तो ये आया है शायद कोलकाता से, दो हैं तुम्हारे लिए, कोलकाता से राखी आई है, दो तीन हैं, दो ये, है। अच्छा मुझे अरे, ये मोर पंखी है, अच्छा अच्छा दो होंगी, ओके 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 गाइस, मुझे अच्छा लगा ये डब्बा, हाँ ये डब्बा बहुत अच्छा है, मैं अभी से रखूंगी कान के इयररिंग्स या कुछ भी रख सकते हैं, मतलब तो ये है राखी गाइस, और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है समथिंग, या उल्टी है ये, तो पहले तो सीधी करो से, और इधर वो है रोटी चावल, तो ये डेफिनेटली कोलकाता से आई है, वो बनी है हस्बैंड की सिस्टर ने भेजी है, दो राखी इसलिए होंगी क्योंकि तो दोनों सिस्टर ने एक ही में भेज दी है, दो सिस्टर हैं उन्होंने एक एक अपने भाई के लिए भेजी है, ये बड़ी बहन की, ये छोटी बहन का भाई लिखा है, अच्छा एक में लिखा इंग्लिश में कि हिंदी में, इंग्लिश में, और जूम हो रहा है बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा, तो और एक में रुद्राक्ष बना हुआ है, रुद्राक्ष तुम्हारे दोस्त का नाम है, हम मैं रुद्राक्ष बोल रही हूँ, और चॉकलेट का डब्बा एक ही है, राखी दो हैं, दो बहनों ने एक राखी भेजी है, लेकिन चॉकलेट इसमें काफी है, डब्बा इंटरनली, ओके तो इसी से उस दिन मुंह मीठा कराया जाएगा इनको, और
उनको थैंक यू वेरी मच राखी भेजने के लिए। अब राखी वाले दिन बांधेंगे और तब दिखाएंगे गाइस। टाटा बाय बाय गाइस। हम लोग आए थे घर शाम को 4 बजे क्योंकि इनकी छुट्टी हुई 3:30 बजे और घर आते आते हम लोग को 4:15 के करीबन बज गया। खाना तो खैर वो भी अपने से वहाँ से स्कूल से खा के आई थी, उसको लंच मिला था प्रॉपर वहाँ पे बुफे से लगा हुआ था, तो खाना घर पे खाना नहीं था। बट आए तो इतना थक गए थे कि तुरंत बना के पहले चाय पी और ये सोचा था कि सोएंगे नहीं क्योंकि उसका क्लास था। बट ऐसी हालत हो गई हम लोगों की कि बिना सोए रहा नहीं गया। 5:30 बजे तक हम लोग एकदम ठीक थे कि नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 5:15 के बाद नहीं रुक पाए और हम लोग सब एकदम बेहोश होकर सोए। फिर उठते उठते हम लोग को 6:30 हो गया। जब हमारी हाउस हेल्प आई उसने बेल बजाई तब हम लोग हड़बड़ा के उठे हैं और वरना हम लोग सोते ही रहते हैं। तो थके हुए थे सब, सुबह 5 बजे के उठे हुए थे और उसको तो खैर वहाँ पे पूरी ड्यूटी देनी पड़ी थी, खड़ी रही तो इस वजह से काफ़ी आज लेट हो गया। दिया विया जलाने में भी आज लेट हो गया, 7:30 बजे जाके मैंने दिया जलाई है। तो और अब खाना खाने का भी किसी का मूड नहीं है, वो उसने भी वहाँ पे हैवी खाया है और हम लोगों ने भी सबेरे पराठी सब्जी खा ली थी जल्दी, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो सब यही बोल रहे हैं कि बस ऐसे ही उठे थे, जब चाय बिस्किट खाया तो उसी में पेट भरा भरा सा भी लग रहा है, तो खाना बनाने का हो नहीं रहा है फिलहाल। बाकी अब 2 घंटे बाद क्या सिचुएशन रहती है मुझे नहीं पता। तो और बाकी आज आपने देखा होगा मेरे मेरे ब्लॉग में कि आज मेरे 5K कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 5,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो चुके हैं आज। तो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी 5,000 हो जाए हो जाए हो जाए, बस जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं बस उसी तरीके से मेरे आवर्स भी बढ़ जाएं, मतलब वो जो टाइमिंग होती है 4,000 आवर्स हम मुझे करने हैं। आवर्स मतलब HOURS वाला टाइम 4,000 घंटा, वो मुझे 4,000 घंटे मुझे पूरे चाहिए चाहे जैसे भी हो। और अभी मेरे 1,000 भी नहीं हुए गाइज, वो इतना 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 धीमे धीमे चल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। कोशिश पूरी तरीके से है, कितने लोगों को अपने लोगों को बोल रखा है कि वो अपने फ़ोन से मेरे ये, अब तो मैं ये 2-2 घंटे वाले इसीलिए और डाल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लूँ। बट पता है क्या होता है, मैं सोच रही हूँ कि सब 2 घंटे का पूरा देख रहे हैं, मतलब देखे नहीं, मैं उसमें देखने लायक कुछ है भी नहीं, बस ये है कि उसको चला के छोड़ दें तो उसका 2 घंटा मुझे मिलेगा। तो 2 घंटा अगर 100 लोगों ने भी देखा तो 100 × 2 200 घंटा मुझे मिल जाएगा। और एकदम से मेरे अभी 1,000 भी नहीं हुए हैं, सोचिए 750 घंटे ही कुछ हैं, तो सोचिए मैं कितनी दूर हूँ अभी, तो कैसे उतनी रास्ता पार करूँगी पता नहीं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी लगी हुई हूँ, कोशिश जारी है, सब कुछ है, पर थोड़ी बहुत उम्मीद मैं अपने सब्सक्राइबर से भी कर रही हूँ कि 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से अगर 1,000 भी देखे तो मेरा फटाफट मेरे ये वाले ये 2-2 घंटे वाले जो मैंने बनाए हैं, जिस इसीलिए बनाए हैं वॉच आवर्स के लिए बना रही हूँ कि उसको लगा के फ़ोन पर आप लोग छोड़ दो और प्लीज़ मुझे उसके 2 घंटे वाले दे दो, मुझे मिल जाए तो मेरा कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैं बना बना के उसको डाल रही हूँ और कोई वजह नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसमें कुछ एंजॉय नहीं करना, बस उसको चला के मुझे 1-2 घंटा देना। लेकिन लोगों की क्या गंदी हैबिट है, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, 2 मिनट चलाया उसको ऑफ कर दिया, स्किप कर दिया, आगे का पूरे देखे क्या है क्या है क्या, अरे मेरे मतलब का तो कुछ भी नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। तो इससे नहीं चलता, व्लॉग्स में भी यही हो रहा था। अगर आप लोग व्लॉग्स भी स्टार्टिंग से मेरे चल रहे होते ना, खैर वो मालूम है मुझे कि हाँ अच्छे नहीं है, किसी को मन नहीं है, मैं फोर्स नहीं कर सकती किसी को कि नहीं आप लोगों को ज़बरदस्ती है देखना ही देखना है, अगर वो भी चल रहे होते ना तो भी मुझे इस सिचुएशन में नहीं आना पड़ता। लेकिन ब्लॉग्स भी वैसे ही चलते, बस स्टार्टिंग करते अरे यार ये नहीं, हाँ तो ठीक है, सबकी ज़िंदगी में एडवेंचर कहाँ से लाएं, कहाँ से उतना एडवेंचर इतना कंटेंट कहाँ से लाएं। ठीक है अब 30 त्यौहार आने वाले हैं तब मेरे यहाँ फिर भी मुझे कंटेंट मिलेगा, मैं बाहर भी जाती हूँ ट्रैवल भी करती हूँ, अब वहाँ घूमूँ फिरूँ या बस वीडियो ही बना, तब भी मैं दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा
वो रहती हूँ मैं, वरना बाकी ब्लॉगर्स को मैंने देखा है, नोटिस किया है। आप लोग भी देखना कि वो लोग अगर बाहर जाते हैं ना तो वो लोग ऐसा नहीं करते कि बस गए और कल व्लॉग डाल दिया। वो लोग पूरा 4-5 दिन का टूर करके वापस आ जाते हैं, उसके बाद जाके घर आके तब एडिट करके डाल। मैं लेकिन वहीं पे वीडियो बनाई, उसको अपलोड एडिट किया और तुरंत ही तुरंत मैं अपलोड भी करती रहती हूँ कि मैं वहीं पे हूँ। मैं वहां से लाइव तक गई इस बार कि मैं इतना कि मतलब नहीं, मुझे मतलब ताजा ताजा वाली बात होती कि अभी आज मैं यहाँ हूँ तो आज ही लोगों को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहां पे हूँ, कहाँ पे हूँ। ये नहीं कि मैं 10-15 दिन बाद डाल रही हूँ कि मैं अहमदाबाद गई थी, तो मैं खुद इंजॉय करूँ या ना करूँ मैं, बट ये कोशिश करती हूँ कि व्लॉग टाइम से जाए। तो मैं इतना अगर सोचती हूँ तो मेरे बारे में कोई तो सोचो यार, 5,000 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं अब तो, और आगे और जुड़ते भी जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग, कुछ 100, मैं पूरे 5,000 लोगों से नहीं कहती, 100-200 लोग भी यार एक्टिव हो जाओ और ये ठान लो कि मेरा मुझे मेरे वॉच आवर्स पूरे करवा दोगे तो कोई रोक नहीं सकता। मेरे 4,000 के या मेरे 8,000 हो जाए, लेकिन बस वही है ना कि ठानने वाली बात है। तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैं फिर कर रही हूँ कि प्लीज़ वो जो 2-2 घंटे के मैं बना रही हूँ, जस्ट इसीलिए बना रही हूँ कि फ़ोन पे चला के लोग छोड़ दें। और फ्री टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना नेट ख़राब करो, जिसको वाईफाई मिले तभी करो और फ्री टाइम हो तभी करो, नेट से मत करो, आपका नेट ख़त्म हो जाएगा। और अपने वर्क प्लेस पे मत करो, घर पे हो, फ्री हो, छुट्टी है या आपने ऑफ लिया है या घर पे फ़ोन पड़ा हुआ है या आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है जो उस पे आप चला के 2 घंटे के लिए छोड़ दो, जस्ट वो 2 घंटा मेरे को मिल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब मेरे लिए कर दो तो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो व्लॉग हो रहा है बहुत लंबा, चलिए मैं इसको करते हैं, आज व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, इसी तरीके से प्यार बढ़ाते रहिए। 5,000 से 10,000 तक की जर्नी करनी है अभी तय, तो साथ रहिएगा और चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।